हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा लेक्चर 2 है पाइथन माई एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्शन के ऊपर। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग माई एसक्यूएल टेबल के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग माई एसक्यूएल सर्वर का जो टर्मिनल होता है उसे यूज़ करके हम लोग टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल कमांड का यूज़ करके। वही काम हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। लेक्चर 1 में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, जैसे कि कैसे हमें कनेक्शन क्रिएट करना है डेटाबेस के साथ, कैसे हमें कोई नया डेटाबेस बनाना है, कैसे हम उस डेटाबेस को कैसे जानेंगे कि हमारे सर्वर के अंदर कितना सारा डेटाबेस है, मतलब MySQL सर्वर के अंदर, और कैसे हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस करके उसके अंदर कोई टेबल क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लेक्चर 1 में मिल जाएंगी। और लेक्चर 1 में ये भी मैंने बताया है कि कैसे MySQL को पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए, या फिर पाइथन को MySQL के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें जो कनेक्टर का ज़रूरत होता है उसे हमें कैसे इंस्टॉल करना है, वो सारी चीज़ें आपको लेक्चर 1 में मिल जाएंगी। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है, डायरेक्टली आप लेक्चर 2 देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए। ओके, क्योंकि ये मेरा लेक्चर 2 लेक्चर 1 का ही कंटिन्यू है, तो आप उसे ज़रूर देखें और उसके बाद लेक्चर 2 को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पाईचार्म ऑलरेडी ओपन करके रखा है। यहाँ पर देखिए मेरा एक ऑलरेडी फाइल बना हुआ है, इंसर्ट डेटा डॉट पी वाई। मैंने अपने पूरी प्रीवियस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त ही बनाया था, जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा। तो इस इंसर्ट डॉट पी वाई, चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं एक नया फाइल बनाता हूँ। इंसर्ट, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं इंसर्ट डेटा, इंसर्ट रिकॉर्ड। ओके, ये मेरा फाइल का नाम है इंसर्ट रिकॉर्ड। यहाँ पर सबसे पहला लाइन हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट करेंगे माई एसक्यूएल कनेक्टर को, ठीक है ना। तो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसका नाम हम दे देंगे माई एसक्यूएल। उसके बाद हमें क्या करना है, ये मैंने कनेक्टर, मतलब ये मेरा मॉड्यूल है एक्चुअली माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, इसे मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, कनेक्शन क्रिएट करना है। ओके, तो कनेक्शन क्रिएट करने से पहले आप सबसे पहला काम अपने वैम सर्वर को रन करा लीजिए। जैसे आप वैम सर्वर को रन कराते हैं तो माई एसक्यूएल सर्वर आपके सिस्टम में रन करना शुरू कर देता है। ओके, तो अगर आप माई वैम सर्वर के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये आपको लेक्चर 1 में मैंने चीज़ें समझाई हैं कि वहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप लेक्चर 1 ज़रूर देखें, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। तो ये देखिए मैंने वैम सर्वर को ऑन कर दिया, ये मेरा वैम सर्वर का सिंबल है, ये ग्रीन कलर आ गया, पहले रेड आता है फिर ऑरेंज से फिर ग्रीन बन जाता है। ये देखिए मेरा माई एसक्यूएल सर्वर है, यहाँ पर हम इसके टर्मिनल को या कंसोल बोल सकते हैं, इसे हम एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने कोई पासवर्ड नहीं सेट किया था इंस्टॉल करते वक्त। ये आपके स्क्रीन में, बहुत लोगों के स्क्रीन में अगर वैम सर्वर नहीं है तो आप डायरेक्टली माई एसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल्ड रहता है वहाँ पे, तो आप उसे डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर जाकर हम लोग अपना क्वेरी रन कराते हैं, सेम तरीके से हम क्वेरी रन कराएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग का के हेल्प से। ओके, तो हमें करना क्या है, हमारे पास देखिए यहाँ पर शो डेटाबेसेस ये है, और स्पेलिंग गलत है यहाँ पे इसलिए ऐसे आ गया, और मुझे यूज़ करना है डमी 2, क्योंकि मैंने लेक्चर 1 में डमी 2 बनाया था, तो डमी 2 मैंने यहाँ लिखा। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसके अंदर कोई टेबल है कि नहीं, तो मैं लिखता हूँ शो टेबल्स, टेबल है इसके अंदर वैसे एक टेबल प्रोडक्ट, और मैं देखता हूँ इसके अंदर कोई रिकॉर्ड है कि नहीं, तो मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब हम इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, तो ये रिकॉर्ड तो इंसर्ट हम लोग इसके हेल्प से भी कर सकते हैं, बट पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। तो पर सबसे पहला काम कनेक्शन क्रिएट करना है। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है डॉट कनेक्ट, और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं। सबसे पहले हम लोग पास करेंगे लोकल होस्ट, तो ये मैंने लोकल होस्ट पास कर दिया, और उसके बाद हम पास करेंगे यूज़र का नाम। यूज़र का नाम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, मगर आपने अगर चेंज किया है तो आप वही दीजिएगा। पासवर्ड मैंने कुछ भी नहीं दिया है, और जो मेरा MySQL सर्वर है वो रन कर रहा है पोर्ट 3308 पे, इसलिए मुझे यहाँ पे उसे मेंशन करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बारे में मैंने लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कनेक्शन तो क्रिएट हो गया, अब मुझे चाहिए कर्सर ऑब्जेक्ट। तो कर्सर ऑब्जेक्ट के लिए, ताकि अपनी क्वेरीज रन करा सकें, तो मैंने यहाँ पे लिखा रन क्वेरी इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट कर्सर। ओके,
अब हमें क्या करना है, अब हमें रन क्वेरी के हेल्प से क्वेरीज रन करानी है। तो सबसे पहला काम मैं लिखूंगा रन क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट, ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टेबल के अंदर मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, और ये है मेरी वैल्यूज़। वैल्यूज़ मैंने लिखा 1001, ये प्रोडक्ट आईडी हो गया। प्रोडक्ट का नाम मैंने ले लिया शर्ट, और उसके बाद इसे सिंगल कोट में रखिएगा, ये हो गया आपका शर्ट। और प्राइस मैंने दे दिया इसका 1200, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इस कनेक्शन को क्लोज कर देना है और चेक करना है कि क्या ये रिकॉर्ड मेरा उस टेबल में स्टोर हुआ। तो इसे रन कराते हैं। यहाँ पर देखिए नो डेटाबेस सिलेक्टेड दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, या तो यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं रन क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट। जैसे रन क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट लिख देंगे और इसके अंदर लिख देंगे यूज डमी टू, ठीक है। तो मैं इसे अब रन करा रहा हूँ, ये देखिए डेटा ये रन कर गया। मुझे कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, ये जो आपको मैसेज मिला है ना एग्जिट कोड 0, ये इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आपका प्रोग्राम कम्प्लीटली रन कर गया। तो इसे चेक कैसे करेंगे, टेबल के अंदर डेटाबेस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड गया है कि नहीं, ये हम पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट। तो जो रिकॉर्ड देखिए मैंने यहाँ पे डाला है ना 1001, देखिए वो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिल गया। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है इसे आप हटा दीजिए। अब मैं दूसरे तरीके से करूँगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा बेस इक्वल्स टू, नाम दे देता हूँ मैं डमी टू। डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि उतना सारा डेटाबेस है, किस डेटाबेस के अंदर जाके आप काम करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं अब क्योंकि प्रोडक्ट आईडी को मैंने प्राइमरी की दिया था, इसलिए मैं इसे यहाँ पे 1002 कर दे रहा हूँ, और ये 1200 की जगह पे मैं यहाँ पे 1600 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत महंगा हो गया था। अभी इधर में इसे फिर से रन कराते हैं, और चलिए अब इसको यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको रिजल्ट में दोनों रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग MySQL के किसी भी डेटाबेस के अंदर अगर टेबल प्रेजेंट है तो वहाँ पर हम इस तरीके से इस वाले स्टेटमेंट का यूज़ करके रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये इस वीडियो में मैंने जितनी चीज़ें बताई इस वीडियो के लिए इतना ही है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि बाकी सारे क्वेरीज कैसे रन कराते हैं, जैसे कि अगर आपको रिट्रीव करना है रिकॉर्ड टेबल के अंदर का तो उसे हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर हम ये दिखाए हैं सिखाए हैं कि कैसे डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करना है, कोई सर्चिंग करना है तो हम कैसे करेंगे। और मेरे इस चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे आने वाले समय में। तो आज की इस वीडियो में इतना।